तो हेलो गाइस, गाइस यार आज की वीडियो में हम एक मिनी हैंड फैन बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे पास है एक डिब्बी और इस डिब्बी की सहायता से हम बनाएंगे एक मिनी हैंड फैन। तो इसके अंदर है हैंड फैन का सामान। तो ये हमारी डिब्बी देखिए, साइज़ में इतनी बड़ी है और ये डीसी ड्रोन मोटर है और ये स्विच है, एक छोटा स्विच आप कोई सा भी ले सकते हैं और एक छोटा सेल की आवश्यकता होगी। तो चलो इस ढक्कन के ऊपर हम फटाफट से एक होल कर लेते हैं जिसके अंदर ये हमारी ड्रोन मोटर आसानी से फिट हो जाए। तो आपको होल ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, जितनी इस मोटर की साइज है उतना बड़ा हमें करना है। तो चलो इसको फटाफट से होल को निकाल लेते हैं। तो गाइस देखिए, होल हमने कर लिया है और अब ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ जाएगी। तो ये देखिए, तो हमें क्या करना है, इसको फेविक्विक की सहायता से चिपका देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटा एक गट्टे का टुकड़ा लेंगे और इस टुकड़े के अंदर इसको फिट कर और फिर फेविक्विक की सहायता से इसको अच्छे तरीके से चिपका देंगे। तो फेविक्विक का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस मोटर के ऊपर न चिपक जाए, नहीं तो ये घूमेगी नहीं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है चिपकाते समय। तो चलो इसको फटाफट से आप चिपका देते हैं। तो ये लो गाइस, मोटर हमारी चिपक कर बिल्कुल तैयार होने वाली है। तो इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं और मोटर के साइड में हमने एक सपोर्ट और लगाया है ताकि ये मोटर हिले डुले नहीं। और अब क्या करना है, इसके कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आपको एक वायर इस सेंटर के अंदर जोड़ना है इस स्विच के और दूसरा वायर जो साइड वाला कॉर्नर है वहाँ पर जोड़ना है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। तो ये देखिए, कनेक्शन हमने कर लिए और काफ़ी सिंपल कनेक्शन है इससे के, और मोटर भी हमारी बिल्कुल इसके अंदर फिट हो गई है। और अब क्या करना है, सेल को हमें लगाना है। तो दो वायर हमने छोड़ रखे हैं सेल के, और सेल को हम क्या करेंगे, टेप की सहायता से इसको चिपका देंगे। तो ये सेल काफ़ी छोटा है, ये लगभग आधी घंटे हमारा फैन को चला सकता है। और इसके हम कनेक्शन कर देते हैं फटाफट से। और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है, घर पर आप बना सकते हैं। और इसको केयर करना भी काफ़ी ईजी है, आप इसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं और काफ़ी छोटा है ये। तो ये लोग ऐसा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब करते हैं हम आगे का काम शुरू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बटन के लिए एक होल निकालेंगे। तो साइड में हम इसके बटन के होल को निकालेंगे और इस साइज में हम इस होल को निकालेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने होल को निकाल लिया है और अब क्या करेंगे, इसके अंदर बटन फिट करेंगे। तो बटन को हमें क्या करना है, सिंपली इस तरीके से इसको फिट कर देना है अंदर से, और फिर क्या करेंगे, फेविक्विक की सहायता से चिपका देंगे। बटन का आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये बटन काफ़ी कमज़ोर है और छोटा भी है। और आप इसकी जगह पुश बटन भी ले सकते हैं, वो और इजी रहता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको फटाफट से चिपका देते हैं। तो ये लो गाइस, हमारा बटन चिपक कर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। तो ये हमारा छोटा फैन लगभग तैयार हो चुका है। और अब इसके ऊपर फैन लगाना है हमें, तो फैन हम लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से इसको फिट करना है। तो चलो इसको फटाफट से मैं लगा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमने इसको अच्छे तरीके से फिट कर दिया है और अब इसको हम चलाकर देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी स्पीड में घूम रहा है। तो चलो इसकी टेस्टिंग की बारी है। तो हमने पेपर रख दिए हैं और अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो ये देखिए गाइस, काफ़ी स्पीड है इसकी, और ये छोटे होने के साथ साथ स्पीड भी की काफ़ी पावरफुल है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छे तरीके से ये हवा दे रहा है।